अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताने वाली हूँ कि ट्रस्ट वॉलेट को किस तरह से बनाते हैं। तो फ्रेंड्स, आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने अभी तक मेरा चैनल लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया है तो काइंडली उसे सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन पर ज़रूर प्रेस कीजिए, इससे आपको मेरी हर नई आने वाली वीडियो आसानी से मिल सकेगी। तो फ्रेंड्स, हम बात कर रहे थे ट्रस्ट वॉलेट की। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को बताऊंगी कि मैंने उसे इंस्टॉल कहाँ से किया और उसका आइकन किस तरह का दिखता है। तो फ्रेंड्स, मैंने उसे प्ले स्टोर पर जाकर लिखा था ट्रस्ट वॉलेट और उसको सर्च कर दिया था। तो फ्रेंड्स, मेरे पास कुछ इस तरह का ऑप्शन आया था, आप देख सकते हैं मैंने इसको इंस्टॉल कर लिया है। आप लोगों ने इसे इंस्टॉल करना है, उसके बाद फ्रेंड्स आपने इसे ओपन कर लेना है। जब आप ओपन करेंगे तो आपको कुछ इस तरह का प्रीफेस नज़र आएगा। तो फ्रेंड्स, लिखा हुआ है प्राइवेट एंड सिक्योर, ऑल एसेट इन वन प्लेस, ठीक है, ट्रेड एसेट्स और एक्सप्लोर डिसेंट्रलाइजेशन ऐप, ठीक है। तो फ्रेंड्स, कुछ इस तरह के ऑप्शन आप लोगों को दिखाई देंगे। आप लोगों ने क्या करना है, क्रिएट अ न्यू वॉलेट करना है। अच्छा फ्रेंड्स, वॉलेट क्रिएट करने से पहले आप लोगों ने एक पेंसिल और एक कॉपी अपने पास रख लेनी है, उससे आप लोगों को आगे परेशानी नहीं होगी। तो फ्रेंड्स, हम वॉलेट को क्रिएट करते हैं। क्रिएट अ न्यू वॉलेट करते ही मेरे पास एक आ गया है, आई अंडरस्टैंड का चेक लगाना है उसके अंदर। आई अंडरस्टैंड दैट इफ़ आई लॉस माय रिकवरी वर्ड्स आई विल नॉट एबल टू एक्सेस माय वॉलेट, मैंने इसे कंटिन्यू कर दिया है। उसके बाद मेरे पास कुछ रिकवरी वर्ड है, मैं इसे नोट डाउन कर लेती हूँ, आप लोग भी इतनी देर में कर लीजिए। तो फ्रेंड्स, आप लोगों ने जो वर्ड्स मैंने कहे थे वो नोट डाउन कर लिए होंगे। तो फ्रेंड्स, अब हम इसे कंटिन्यू करते हैं। कंटिन्यू करने के बाद हमने जिस ऑर्डर के अंदर इसको नोट डाउन किया उसी ऑर्डर के अंदर हमने इसमें डालना है, और कोई गलती नहीं करनी है वरना हमारी मेहनत बेकार हो जाएगी। फ्रेंड्स, तो देख देख के मैं लिख रही हूँ, आप लोगों ने भी बिल्कुल इसी तरह करना है। मे बी पॉसिबल इस पर आपको कोई स्क्रीन नज़र ना आ रही हो, वजह ये है कि जब रिकॉर्डिंग हो रही होती है किसी प्राइवेट चीज़ की तो इसको ये खुद ब खुद हाइड कर देता है। तो ये एक प्राइवेट थिंग है, इससे मेरा अकाउंट हैक हो सकता है, इसलिए इन्होंने इसको कर दिया होगा। इसको मैं डन कर देती हूँ। मेरा रिकवरी जो मेरे पास चीज़ें आई थी मैंने उसे डन कर लिया है और मेरा वॉलेट बन चुका है, मैंने उसे डन कर लिया। अब आप फ्रेंड्स देख सकते हैं कि इसके अंदर क्या क्या चीज़ें हैं हमारे पास और कौन कौन से हम वॉलेट्स ऐड कर सकते हैं। हमारे पास इसमें इथरम का है, बिटकॉइन का है और BNB का वॉलेट है, ठीक है। तो फ्रेंड्स, आप इसके अंदर मुख्तलिफ चीज़ें और भी देख सकते हैं, और भी वॉलेट इसमें ऐड हो सकते हैं, ठीक है। किस किस ऐप पे ये काम करेगा ये भी आपको नज़र आ रहा होगा, किस किस ऐप के यानी कि विड्रॉल्स के अंदर आ सकती है। तो मैंने जो है वो एक ऐप के लिए ही किया था, मैं उसे सर्च आउट करके इसके अंदर ऐड कर लूँगी, ठीक है, और आप लोगों को उसकी भी वीडियो दूंगी। अच्छा, इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हम इसमें मुख्तलिफ चीज़ों को एक्सचेंज भी कर सकते हैं। जैसे अगर मेरे पास जो है BNB के कॉइन्स हैं और मैं मिथ MITH में करना चाहती हूँ कन्वर्ट, तो मैं उसमें कर सकती हूँ, ठीक है। इसी तरह किसी और उसके अंदर मुझे एक्सचेंज करना हो तो मैं उसे भी एक्सचेंज कर सकती हूँ। तो ये बहुत ही ईजी तरीका है एक्सचेंज करने का, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर जो है आप देख सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ें हैं, आप इसे उससे भी कनेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। वॉलेट को हम कनेक्ट कर सकते हैं मुख्तलिफ़ चीज़ों में। अब मैंने इसको करा सॉरी, इसको मैं बंद कर देती हूँ, मैंने इसको डिनेबल कर दिया है और परमिशन नहीं दी है इसको, ठीक है, वरना हम इसे अपने कैमरे से भी कर सकते हैं, ठीक है। और फाइनेंस के अंदर आप जाके देखेंगे इसके अंदर ये कुछ इस तरह के ऑप्शन आप लोगों को नज़र आएंगे, ठीक है। और कलेक्टिबल्स में देखेंगे तो आपके पास कुछ भी अभी रिसीव मेरे पास नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा न्यू वॉलेट है, आप लोगों के सामने बनाया तो कुछ भी नहीं है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप इसके अंदर देखिए, मेरे एक ऐप करा है, मैं देखती हूँ वो इसमें है कि नहीं है, होना तो चाहिए इसके अंदर, मैं इसको सर्च कर लेती हूँ, अगर मिल जाता तो अच्छी बात है। क्योंकि मैंने उसकी वजह से ख़ास तौर पे वॉलेट किया है तो सोचा आप लोगों को भी बता देती हूँ। तो फ्रेंड्स, आई होप आप लोगों को मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। अब तक आप लोग भी इसको बनाएं, मैं भी देखती हूँ कि मैंने क्या करना है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।